सतना जिले के चित्रकूट में बिजली विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले की जा रही यह हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। इन कर्मचारियों की शिकायत है कि वर्तमान समय में आउटसोर्स कर्मचारियों से 24-24 घंटे तक काम कराया जाता है और महीने में 30 दिन काम करने के बावजूद भी सिर्फ 25 दिन का वेतन उनको दिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी काम करते समय गिरकर विकलांग हो जाता है या फिर किसी की मौत हो जाती है तो बिजली विभाग उसे अपना कर्मचारी मानने से ही इनकार कर देता है। ऐसे में इन कर्मचारियों की मांग है कि उनको नियमित किया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए, मूलभूत सुविधाएं भी उनको दी जाए और किसी दुर्घटना की स्थिति में राहत राशि देने का भी प्रावधान हो। के द्वारा हमारे प्रति सिर्फ यही मांगे हैं कि हमको जो ठेका पद्धति पे रखा गया है, इस ठेका पद्धति को खत्म करके हम सभी भी जितने भी श्रमिक हैं इन सभी को रेगुलर नियमित पद्धति पे रखा जाए। ये जो ठेका पद्धति चालू की गई है जिससे अवैध वसूली, अवैध कामों का जो कार्य किया जा रहा है ये सब बंद किया जाए। एक तो ठेका पद्धति पे रख के हमसे जो काम कराया जा रहा है, 8 घंटे के काम पे हमसे 24 घंटे काम कराया जा रहा है। इन श्रमिकों को काम पे रखा गया है जिनको खंभे पे चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इनसे खंभे पे चढ़ाकर काम कराया जाता है। अगर कभी बाय चांस कोई घटना हो जाती है तो उसको ना उसका ठीक तरह से मुआवजा मिलता है, ना ही उसको किसी कार्य के प्रति उसका कोई लाभान्वित उसको मिलता है, लाभ मिलता है। अगर कई घटना हो जाती है कह देते हैं वो तो हमारे काम में ही नहीं था, सीधी सी बात है, 8 घंटे की नौकरी थी, 150 के लालच में चला गया काम करने, ऐसा थोड़ी होता है। और प्लस हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। इस हड़ताल के चलते अब बिजली विभाग की व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। हड़ताल में बैठे विद्युत विभाग के हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लाइन मेंटेनेंस हेल्पर, मीटर रीडर आदि कर्मचारी काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिस वजह से मझगवा समेत धर्मनगरी चित्रकूट में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने का संकट खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में विभाग चंद बचे हुए कर्मचारियों से काम चला रहा है, जिससे कहीं भी फॉल्ट आने पर घंटों तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है। कितने कर्मचारी हैं यहाँ? वर्तमान में कुल 5 कर्मचारी हैं, जो एक ही है जो कंप्लेन थोड़ी बहुत देख पाता है, बाकी 12-12 घंटे की शिफ्ट में दो दो कर्मचारी पावर हाउस में बैठे हुए हैं, जिससे फीडर में ट्रिपिंग आए तो बिजली चालू की जा सके। कैसी समस्याएं तमाम माने आ रही हैं? हाँ, समस्याएं आ रही हैं, जैसे पब्लिक की कंप्लेन, स्टाफ न होने से जल्दी निराकरण नहीं हो पा रहा, राजस्व वसूली बाधित है, मीटर रीडिंग बंद पड़ी है, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के कारण अभी जो रेगुलर स्टाफ है उसके द्वारा भी सब स्टेशन ऑपरेटिंग और बिजली में जो 11,000 की लाइनें पार्ट हो रही है उनके तहत काम दिया जा रहा है। बाकी जो एफओसी वाला वर्क है वो उतनी एफिशिएंटली अटेंड नहीं हो पा रहा है, बरसात का मौसम है, इसलिए नंबर ऑफ फॉल्ट एवं ट्रिपिंग की संख्या भी ज़्यादा ही आ रही है, तो उसके लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस हड़ताल के चलते मीटर रीडिंग, राजस्व वसूली, लाइन मेंटेनेंस जैसे काम भी ठप पड़ गए हैं। वहीं जनता को भी इसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाचार प्लस के लिए सतना से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।